अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं अंडा करी बनाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही चटपटी करी बना के दिखाऊंगी मैं आपको। इधर हमने अंडे लिया है, ये 6 अंडे हैं। मैंने इसको उबाल लिया अच्छे से, इसके छिलके उतार दिया, छील लिया है। चलते हैं गाइस, बना के दिखाएंगे बिल्कुल चटपटी सी अंडा करी की सब्जी। आप लोग बने रहना कंटिन्यू हमारे चैनल पर। इधर हमने पेस्ट बना लिया प्याज का, ये दरदरा सा कूट लिया है। 2 छोटे साइज के प्याज थे, इसे मैंने कूट लिया है। 1 छोटा साइज का टमाटर कूट लिया है, इसे भी पेस्ट बना लिया कूट के। चलते हैं गाइस, बनाना शुरू करते हैं अंडा करी की सब्जी। आप लोग बने रहना कंटिन्यू हमारे चैनल पे। अभी बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, मैंने सारे अंडे को काट लिया है, ऐसे गोलाई में काटा है। आप चाहो तो लंबाई में काट सकते हो, 20 से 2 भाग कर सकते हो। चलते हैं गाइस, सबसे पहले इसको फ्राई करते हैं। देखिए गाइस, हमने तवा चढ़ा दिया गया इसके ऊपर, इस पर थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं। अब ये गरम हो जाए फिर इस पर अंडे डालेंगे। देखिए गाइस, तवा हमारा गरम हो गया है, गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब अंडे डाल देती हूँ इस पर, एक एक करके डाल दूंगी सारे अंडे। देखिए गाइस, मैंने सारे अंडे डाल दिया है, थोड़ा एक साइड से हो जाए फिर बाद में इसको पलटेंगे। देखिए गाइस, अंडे हमारे हो गए हैं एक साइड से, अब इसको पलट देती हूँ। मैंने चक्कू ले लिया है छोटा सा, इसी से पलटूंगी। कितने अच्छे से हुए हैं, सारे अंडे पलट दूंगी आराम से। देखिए गाइस, मैंने सारे अंडे को पलट दिया है, अब दूसरी पलट हो जाए फिर इसे हटा दूंगी, निकाल लूंगी एक प्लेट में। उसके बाद में बनाना शुरू करेंगे सब्जी इसकी। देखिए गाइस, अंडे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसे हटा देती हूँ तवा को, कढ़ाई को चढ़ाते हैं। देखिए गाइस, मैंने छोटी कढ़ाई चढ़ा दी है अंडा करी बनाने के लिए। इसमें तेल डाल दिए हैं 2 चम्मच। अभी तेल हमारा गर्म हो जाए फिर हमने मेथी ले लिया है 2 चुटकी, ये डाल दूंगी। अब मेथी को डाल देती हूँ, ज़्यादा तेल नहीं गर्म करना है वरना ये जल जाएगी बहुत जल्दी। देखिए गाइस, मेथी हमारी हो गई है। सबसे पहले पेस्ट डालेंगे, जो हमने प्याज का और लहसुन भी इसी में कूट लिया था, डाल देती हूँ इसमें। देखिए गाइस, मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है, अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसी में लहसुन भी मैंने कूट लिया था, लहसुन और अदरक थोड़ी सी। प्याज को भून लेते हैं थोड़ा सा हो जाए, फिर टमाटर का पेस्ट डालूंगी, मसाले में बाद में डालूंगी। देखिए गाइस, प्याज हमारा हो रहा है, इसका हल्का सा कलर चेंज हुआ है। अब ये टमाटर को मैंने जो पेस्ट बनाया है ये भी डाल देती हूँ, हल्का सा पानी डाल देती हूँ इसको धो के। अब इसी में सारे मसाले डाल देती हूँ, किसे हुए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरे का पाउडर ले लिया है, ये भी डाल देती हूँ, पिसा हुआ जीरा है ये। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ 2 चुटकी। थोड़े से खड़े मसाले ले लिए, ये भी डाल देती हूँ। 1 तेज़पत्ता है मैंने तोड़ लिया बीच से, लौंग है, काली मिर्च है, 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा है, डाल दिया सारा साथ में। अब इसे भून लेते हैं मसाले को अच्छे से, बहुत कम मसाले डाल के बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगी, बिल्कुल आसान रेसिपी मैं डाल रही हूँ बना के। इसको झटपट बना के खा सकते हो, कोई सब्जी ना हो घर पे, अंडे रखे हो तो आप अंडे की करी बना के खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है खाने में, चावल के साथ, रोटी के साथ। देखिए गाइस, 1 चम्मच नमक ले लिया है, डाल देती हूँ मसाले में। नमक आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो। मैंने 6 अंडे बॉईल किया था, उसी हिसाब से डाल रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा नमक। बाद में कम लगे तो आप लोग चेक करके डाल सकते हो। मसाले हमारे भून जाए, तैयार हो जाए, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, मसाले हमारे भून गए हैं, अब इसमें सबसे पहले पानी डाल देती हूँ। पहले ग्रेवी को उबाल लेंगे, अच्छे से उबाल आ जाएगा, उसके बाद में अंडे डालूंगी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए अपने हिसाब से लगा सकते हो। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। इसमें मैंने 1/2 लीटर पानी डाल दिया है, अब इसमें उबाल आ जाए उसके बाद में अंडे डालूंगी। देखिए गाइस, ग्रेवी में उबाल आ गया अच्छे से, अब इसमें डाल देती हूँ अंडे एक एक करके।
देखिए गाइस मैंने सारे अंडे डाल दिया है। अब इसको 5 मिनट और उबालेंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। बस गए इसको बंद कर दूंगी, बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। इसको सिर्फ 5 मिनट उबालना है। देखिए गाइस अंडा करी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। थोड़ी सी हमने धनिया ले लिया है, बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देती हूँ इसके ऊपर। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। आप लोग जरूर बना के खाना गई, बहुत टेस्टी बनती है अंडा करी की सब्जी। धनिया मैंने डाल दिया है, अब गैस को बंद कर दूंगी। देखिए गैस अंडा करी की सब्जी हमारी तैयार हो गई बनके, बहुत ही चटपटी बनी माशाल्लाह। आप लोग जरूर बना के खाना गई थे एक बार, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बना के दिखाया आपको। वीडियो हमारी अच्छी लगी गई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।